रबड़ी खीर बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल आर के फूड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं रबड़ी खीर। रबड़ी खीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 50 ग्राम चावल। चावल जो आपके घर में नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं आप वही ले लें। चावलों को हम अच्छे से साफ करके ग्राइंड कर लेंगे और इनको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। चावल के अलावा हम लेंगे नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 पिस्ता, जिसको के हम बारीक सा काट लेंगे। रबड़ी खीर के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, जिसको हमने बॉयल कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल, चावल जो कि हमने ब्लेंड करके आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची। इलायची हमने 5 ली है और उसके दाने निकाल के उसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है, इस तरीके से ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, आंच को लो रखेंगे, इसमें हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक के इसमें उबाल ना आ जाए। इस वक्त हम इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी हमने अभी शामिल कर दी तो हमारे जो चावल हैं वो सख्त रह जाएंगे। दूध में हमारे उबाल आ चुका है, अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए और चावल अच्छे से उबल जाए। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, जो कि हमने ली है 100 ग्राम। और साथ में ही हम इसमें नारियल, पिस्ता और बादाम, जो कि हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है, ये हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर। बादाम, पिस्ता और खोपरा की कुछ क्वांटिटी हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम मजीद गाढ़ा होने का इंतजार करेंगे। खीर हमारी मजीद गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें हम इस तरीके का चमचा, जिसकी ये शक्ल हो, शामिल करेंगे। इस तरीके से चमचे से हम इसमें घोटा लगाएंगे ताकि दूध और चावल यकजा हो जाएं, अच्छे से चावल मैश हो जाएं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे खोया, जो कि हमने लिया है 50 ग्राम, उसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस के 2 कतरे। हमारी रबड़ी खीर हो गई है तैयार। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या गाढ़ापन है। ये देखिए जी, क्या गाढ़ापन आया खीर में। अब चूल्हा कर देंगे हम बंद। हमारी खीर हो गई है तैयार, अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। हमारी रबड़ी खीर हो गई है तैयार, अब इसकी हम खूबसूरत सी गार्निशिंग करेंगे। आएंगे एक चाली का वर्क, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ पिस्ता और इसमें हम शामिल करेंगे कटा हुआ बादाम। अब इसमें शामिल करेंगे हम कटा हुआ खोपरा। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी नई और मजेदार सी रेसिपी लेके एक बार फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त काशिफ खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।